Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को. तो चलिए शुरू करते हैं. लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर आज हम जानेंगे. तो चलिए दिल्ली सल्तनत के बारे में, ये जो हमारा लेसन है, दिस इज़ लाइक लास्ट लेसन. इसमें दिल्ली सल्तनत फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा. तो जो ये दिल्ली सल्तनत था, इसके अंदर जो तुर्की रूलर्स आए, उन्होंने आग्स को इंट्रोड्यूस किया. आग का मतलब होता है ऐसा, ये होता है आग, ठीक है. तो आप देखोगे कि दरवाजे हों, खिड़की हों, किले हों, हर जगह ये आर्क बनाया जाता था. तो आर्क का मतलब ये होता है आर्क, ठीक है. और डोम्स भी बनाए जाते थे, तो ये गुंबद जो होते हैं ना, उसको डोम कहते हैं, ठीक है. और लॉफ्टी टावर्स, यानी कि ऐसे टावर्स जो हैं, थोड़े से ऐसे टेढ़े टेढ़े टावर्स जो हैं, वो बनाए जाते थे, ठीक है. और इसके बाद मीनार बनाए जाते, मिनारेट्स बनाए जाते थे. तो डेकोरेशन के लिए अरेबिक स्क्रिप्ट का भी यूज़ होता था, जो उर्दू होती है ना, जो अरेबिक स्क्रिप्ट होती है, तो कैलीग्राफी का यूज़ होता था. आप कह सकते हो कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था. और इन्होंने जो है बिल्डिंग के अंदर मार्बल्स को बहुत यूज़ किया था. रेड एंड येल्लो जो सैंडस्टोन है, वो भी ये लोग यूज़ करते थे. एंड जो टेम्पल्स हैं, उनको कन्वर्ट करके इन्होंने रीमॉडल कर दिया था, और उसको मकबरे में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुवत उल इस्लाम का जो मकबरा है, ये कुतुब मीनार के करीब था और दिल्ली में. और इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मटीरियल्स को यूज़ किया जाता था. तो ये जो मटीरियल भी आता था ना, वो भी हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों को डिस्ट्रॉय करके निकला हुआ जो है मटेरियल होता था. तो कुवत उल इस्लाम मॉस्क जो कुतुब मीनार का है, वो ऐसे ही करके बनाया गया है. साथ ही इन्होंने कई सारे नए स्ट्रक्चर्स भी बनाए, जैसे कि कुतुब मीनार जो है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, जो कि सूफी संत थे ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के ऊपर ये बनवाया गया था. तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज में, कुवत उल इस्लाम का जो मकबरा है, जो कुतुब मीनार के बिल्कुल करीब ही बनाया गया है. तो इसके अंदर जो है ऐसे ही कई सारे हिंदू और जैन टेम्पल वहाँ पे जो थे, उसको डिस्ट्रॉय करके उसी मटेरियल से बनाया गया था. अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें, तो उसने एक और चीज़ ऐड की थी. एक एंट्रेंस कुतुब मीनार के लिए उसने ऐड किया था, जिसे अलाई दरवाज़ा कहा जाता था. और जो डोम है इस आग का, वो भी साइंटिफिक लाइंस पर बनाया जाता था. बिल्डिंग जो तुगलक पीरियड में थी, उसमें आग और डोम सबको मिक्स करके ये लोग बनाते थे. और ये थोड़ा सस्ता मटीरियल लगाते थे, जो ईजिली अवेलेबल ग्रे कलर का स्टोन हुआ करता था, वो ये लोग लगा देते थे. तुगलकाबाद में जो है एक पूरा पैलेस का कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत ही ब्यूटिफुल है. वहाँ पर एक लेक भी है, और बिल्डिंग के अंदर ये लोग कई बार लेक बनाते थे. इससे क्या होता था, थोड़ी ठंडक रहती थी. तो ये जो है गियासुद्दीन तुगलक के समय में बनवाया गया था. मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक गियासुद्दीन तुगलक का टॉम बनवाया था, जो कि एक बहुत ऊंचे से टॉम पर बनवाया गया था. जो कोटला फोर्ट है ना दिल्ली का, वो भी फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाया गया था. लोधी गार्डन जो दिल्ली में है, वो भी एक एग्जांपल है लोधीज के आर्किटेक्चर का. लोधी गार्डन तो दिल्ली में है ही, और बहुत सारे लोधियों के कई सारे टॉम्स भी हैं. देयर आर सो मेनी डिफरेंट टॉम्स इन दी दिल्ली, जो कि लोधी के हैं. अगर बात करें म्यूज़िक की, तो एक नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सारंगी और रबाब जो है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था इस पीरियड में. और अमीर खुसरो ने जो है नए राग इंट्रोड्यूस किए थे. घोर राग और सनम राग जो है, वो अमीर खुसरो ने ही स्टार्ट किया था. इसके अलावा कव्वाली जो है एक नया स्टाइल है लाइट म्यूज़िक का, जिसमें हिंदू म्यूज़िक और ईरानियन म्यूज़िक दोनों को ब्लेंड करके, मिक्स करके कव्वाली बनाई जाती है. सितार का भी इन्वेंशन हुआ था. और जो इंडियन क्लासिकल वर्क है राग दर्पण, ये ट्रांसलेट होकर के पर्शियन लैंग्वेज में गया था, जब फिरोज शाह तुगलक का समय था. फिरोज शाह तुगलक एक्चुअली कई सारे स्कॉलर्स को पैट्रोनेज दे भी रहे थे. अच्छा, फिरोज शाह तुगलक जब इनका मतलब समय होता है, उसके बाद क्या था कि धीरे धीरे जो दिल्ली सल्तनत है, वो थोड़ा डिक्लाइन हो रहा था. तुगलक डायनेस्टी स्पेशली डिक्लाइन हो रही थी. तो यहाँ पे एक बंदे का इन्वेशन हुआ था, जो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेशन हुआ था, ठीक है. तो उसका क्या नाम था जिसने इस समय में इंडिया पे इन्वेशन किया था फिरोज शाह तुगलक के बाद, ठीक है. इन्वेशन का कौन था, वो इन्वेशन करने वाला, उसका नाम बताइएगा. मैंने ये पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, तो आपको अगर नाम मालूम है तो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन.
पीर बौधन एक सूफी संत थे जो कि वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियन थे इस पीरियड में। राजा मान सिंह जो ग्वालियर के थे वो भी बहुत एनकरेज करते थे कि भाई जो है म्यूजिकल कंपोजिशन अच्छी हो। तो राजा मान सिंह जो ग्वालियर के थे उन्होंने बहुत ग्रेट एक म्यूजिकल वर्क है जिसे कि मान कौतूहल कहा जाता है, ये बहुत इसको इसको इनकरेज किया था इसके कॉम्पोजिशन को। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो फेमस हिस्टोरियन थे इस पीरियड में उसमें नाम आता है हसन निज़ामी, मिन्हाजुस सिराज, ज़ियाउद्दीन बरनी एंड शमास सिराज अफीफ का। तारीख़ फिरोजशाही जो है ये ज़ियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई थी जिसमें कि तुगलक डायनेस्टी की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। दूसरा है तबाकत ए नसरी, ये मिनाजु सिराज के द्वारा एक जनरल हिस्ट्री लिखी गई है जो कि मुस्लिम डायनेस्टीज़ के बारे में है अप टू 1260। और अमीर खुसरो के अगर हम कामों की बात करें तो उन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी जो कि पर्शियन पोएट्री थी, नए स्टाइल की पर्शियन पोएट्री थी जिसको कि रब की हिंद और इंडियन स्टाइल कहा जाता था। खजाइन उल फुतह जो है ये अलाउद्दीन के कंकेस्ट के बारे में बात करता है। और तुगलक नामा जो है ये डील करता है गियासुद्दीन तुगलक के राइस से कि किस तरीके से गियासुद्दीन तुगलक का राइस हुआ। संस्कृत और पर्शियन जो फंक्शन जो लिटरेचर्स हैं इसके अंदर भी चीज़ें बहुत सारी फंक्शन कर रही थी। और संस्कृत एंड पर्शियन जो है वो एक तरीके से लिंक थे दिल्ली सल्तनत के लिए। ज़िया नक़शबी जो हैं ये पहले फर्स्ट वो इंसान थे जिन्होंने संस्कृत स्टोरीज़ को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। देखो ट्रांसलेशन से क्या होता है ना कि जो लोग एक पर्टिकुलर भाषा नहीं भी समझते हैं उन्हें भी कुछ नया पढ़ने को मिलता है, कुछ अलग पढ़ने को मिलता है। और जो बुक है तूतूनामा या जो बुक ऑफ द पैरट है इसे ट्रांसलेट किया था तुर्किश में एंड बाद में इसको कई सारी यूरोपियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया था। राज तरंगिनी जो कि कल्हना के द्वारा लिखी गई है ये एक ऐसी रचना है जिसमें कश्मीर के सभी राजाओं की, ठीक है, एंशियंट टाइम के जितने भी रूलर्स हुआ करते थे उनकी हिस्ट्री लिखी गई है। तो वो भी जो है ये जैनुल अबदीन के पीरियड की है जिसमें कि कश्मीर के राजा उस टाइम में थे जैनुल अबदीन, उनके समय का ये सारा जो है लिखा हुआ था। कई सारे संस्कृत वर्क जो है मेडिसिन के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर थे जो लिखे गए थे उसे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और इंडियन न्यूमरल्स के बारे में तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जो इंडियन न्यूमरल्स थे, इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है उसके बारे में भारत से ही अरबी लोगों ने सीखा और उसको अरबिक फॉर्म में हर जगह फैला दिया था। इन जो अरबिक की अगर हम बात करें तो अरबिक में अलबिरूनी की जो किताबुल हिंद है ये बहुत फेमस वर्क है, मतलब ये काफ़ी फेमस वर्क उस टाइम में हुआ करता था। अगर हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस का भी डेवलपमेंट हुआ क्योंकि इस समय में भक्ति और सूफी मूवमेंट हुए थे। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट की वजह से रीजनल लैंग्वेजेस में काफ़ी सारे जो कविताएँ हैं और भजन हैं, कीर्तन है, वो लिखे जा रहे थे। चंद दाई फेमस हिंदी पोएट जो है इसी समय के थे। बंगाली लिटरेचर में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। नुसरत शाह ने जो है पैटोनाइज किया था महाभारत के ट्रांसलेशन को और बंगाली में महाभारत का ट्रांसलेशन करवाया। भक्ति कल्ट के डेवलपमेंट के वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया गुजराती, मराठी, हिंदी इन सारे भाषाओं को भी काफ़ी सारा नया लिटरेचर देखने को मिला। विजयनगर एम्पायर ने तेलुगु और कन्नड़ लिटरेचर को भी काफ़ी पैटोनाइज किया था, इसीलिए जो तेलुगु और कन्नड़ लिटरेचर है वो भी डेवलप हुआ। तो ओवरऑल लिटरेचर काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ। तो अभी जो हमारा ये चैप्टर था ये अभी ख़त्म हो चुका है, दिस चैप्टर इज एंडेड। तो ये जो लेसन नंबर 17 था दिस इज़ नाउ डन। तो इंडिया अंडर दी दिल्ली सल्तनत का ये लेसन था, हमने ये पूरा कर लिया है और ये जो है हमारा लेसन नंबर 17 था। तो आप जैसे कि जानते हैं कि हम लोग ये तमिलनाडु हिस्ट्री बुक कवर कर रहे हैं और इसमें हमने 17 लेसन्स कवर कर लिए हैं। तो ये मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको कैसा लग रहा है? इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड फिर अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कॉमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और याद रखिएगा गाइस कि मेरा रेफरल कोड है टॉप 10। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड टॉप 10 को ज़रूर यूज़ कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय। Thank you.